सो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये है मेरे जबोड़ी वाले ब्लॉग का दूसरा पार्ट और आज है हमारा यहाँ पे दूसरा और आखिरी दिन। मेरी सुबह सुबह आँख खुली हुई रोशनी से और मैंने कहा आपको भी व्यू दिखा दूँ बाहर का। बहुत ही इस टाइम मज़े का व्यू लग रहा है बाहर का। अभी हम लोग सोते हैं और उसके बाद सो के थोड़ी देर बाद उठेंगे 10-10:30 तक और फिर हम लोग बस चाय पी के निकल जाएंगे और कहीं पर ही नाश्ता करेंगे। बस के सीधा आपके पास हम जाएंगे। 2000 years later। तो गाइस अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग उठ चुके हैं और अब मैं मुंह हाथ वगैरह धो के भी आ गया हूँ और अब हम लोग जो है नाश्ते का कुछ इंतज़ाम करते हैं। थोड़ी देर हम लोग बाहर बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नाश्ते वगैरह का क्या करना है। या तो हम इधर से ही नाश्ता करके जाएंगे या फिर हम यहाँ से चाय पियेंगे और कहीं और जाके होटल वगैरह पे नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह यहाँ पे इतने मज़े का मतलब एनवायरनमेंट है ना, आप देखें ना यहाँ पे गाड़ियाँ हैं इतनी, ना लोग हैं ना शोर है, बस सिर्फ एक पानी की आवाज़ आ रही है इधर, बाकी सब कुछ भी नहीं। पानी की आवाज़ आ रही है और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है बस। यहाँ से जो है ना ये जानवर कुर्बानी के बकरे हैं, छकरियाँ, दुम्बे, बैल, शैल, बैल तो खैर नहीं, बकरियाँ वगैरह जो है ना ये बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। हमने एक बंदे से पूछा था तो उसने कहा था कि 8000 रुपये की एक ले जाओ और 5 उसके पास तो कह रहा था कि 40000 रुपये दे के सारे के सारे ले जाओ। कहता है मैंने 25000 रुपये के ख़ुद ख़रीदे हैं। अब इस बात से आप सोच लें कि एक बकरा उसने 5000 का ख़रीदा हुआ खुद और हमें 8000 का बेच रहा, तो इसलिए आप लोगों ने भी अगर अगली दफ़ा कुर्बानी का जानवर लेना हो तो आप लोग भी इस जगह पर चक्कर लगाएं तो यहाँ पे आपको बहुत सस्ते जानवर मिलेंगे। तो गाइस अभी हम पी रहे हैं चाय और ये देखिए मुझे सामने परिंदा नज़र आया, अलग सा फीजेंट की तरह है, इसकी लंबी सी दुम है, ये देखें। वैसे भी हमने चाय वगैरह पी ली है और तैयार श्यार भी हम हो गए हैं, मैंने भी जूते पहन लिए हैं और बस अभी हम निकलने वाले हैं। और अभी हमने सोचा है कि पहले हम यहाँ पास ही एक फ़िश फार्म है उस पर जाते हैं, जरा थोड़ी देर वहाँ पे बैठ शैठ के तो उसके बाद हम लोग फिर अट्टाबाद के लिए निकलेंगे। तो चलें हम चलते हैं, सामान वगैरह गाड़ी में रख लिया और बस अभी हम निकलने वाले हैं। तो ये हम पहुँचते हैं हिमालयन ट्राउट फिश फार्म। अब यहाँ से हमने नीचे तकरीबन 5 मिनट चलना है तो फिर और जगह नीचे फार्म और चलते हैं हम नीचे। ये सामने आप देख सकते हैं ट्राउट फिश फार्म, सारे के सारे ट्राउट फिश है। इसमें तो छोटी नज़र आ रही हैं लेकिन बड़ी बड़ी भी इस पानी में बहुत बड़ी बड़ी हैं, बाकियों में ज़रा छोटे साइज की। 27 मंथ्स इनकी एज है, ये सबसे बड़ी वाली हैं, उसके बाद इसके साथ वाले में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, और यहाँ आगे भी हैं, इधर भी छोटी छोटी हैं इस वाले पानी में। इधर ये वाली जो हैं ये सबसे बड़ी हैं, ये इनकी एज है 27 मंथ्स। ने है, शायद सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। दो-3 मिनट रुके, हमने हाथ छाते हुए जरा फ्रेश हो गए, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और गाड़ी की तरफ और बस अब निकल रहे हैं अहमदाबाद के लिए।
गाइस हम अभी अहमदाबाद में तकरीबन एंटर हो ही गए थे और ये देखें कितना ज़बरदस्त मौसम यहाँ का हुआ था। उस वक्त हल्की हल्की बारिश लगी थी और ठंडा ठंडा मौसम था। इधर आके हमारी मंजिल है सारी गर्मी निकल गई, लेकिन ये मौसम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुका। इसके बाद दोबारा से धूप निकल आई थी, लेकिन इस थोड़ी देर में भी हमें बहुत मज़ा आया। टोल प्लाजा पे हम पहुंच गए थे और यहाँ पे भी गाड़ियों की लाइनें लगी थी, बड़ी रश बनी थी। इधर भी यहाँ से भी हमें 5-1 मिनट लगे क्रॉस करने। गाइस हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद और यहाँ पे मेरा ब्लॉग होता है एंड। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए हो तो आप इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।